कोई भी एक पिक्चर बनती है ना, उसमें बहुत मेहनत जाती है, बहुत लोगों की जाती है। कोई भी बुरी चीज नहीं बनाना चाहता कि जिससे सोसाइटी पे गलत या बुरा इम्पैक्ट पड़े, जिससे कोई कुछ गलत सीखे। पहली बात तो मुझे नहीं लगता मैं खुद इतनी महान या बड़ी हूँ, मैं जो लोगों को ज्ञान देती फिर हूँ। वी ऑलवेज नीड ईच अदर, सिनेमा नीड्स व्यूवर्स, व्यूवर्स नीड सिनेमा, सो ऑफ कोर्स बूम आएगा। फिल्म यू डोंट डू इट इन योर नॉर्मल लाइफ, यू इमेजिन, यू ड्रीम ऑफ इट, राइट? सो इन दैट वे इट्स एन एस्केप। नाम है वैसा ही, रोल है, रौनक आएगी, रौनक लेके आएगी थोड़ी देर के लिए फिल्म। सत श्रीकाल जी, तुसीं देख रहे हो D5 चैनल पंजाबी। वार्निंग 2 2 फरवरी नूं आ रही है सिनेमा घरां दे विच। उहदे विच बहुत एक्शन मूवी है, डिफरेंट टाइप दी मूवी हैगी है। गिप्पी गरेवाल ने प्रोड्यूस कीती है, ते उहदी जिहड़े हीरोइन ने लीड रोल च जिहड़े ने एक्टर, उह ने जैसमिन हैगे ने, उह साडे नाल अज्ज हैगे ने, ते जैसमिन पसीन। तुसीं इहनां नूं पहले भी देखिया मूवीज़ दे विच, पर अज्ज इहदे विच खास तौर ते साडे नाल गलबात करे। वेलकम। सत श्री अकाल, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जैसमिन, पहले तो मैं यह पूछांगी कि वार्निंग 2 च तां तुहाडा दिख रहा है कि रोल किहड़ा हैगा। तुहाडा रोल बेसिकली गरेवाल, गिप्पी गरेवाल दे उहदा वाइफ दा हैगा, बट तुहानूं खुद एज एन एक्टर पुराने या अज तक दे एक्टर्स चों किहड़ी वाली एक्टर अच्छी लगदी है? मीनिंग आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। आपको कौन सी एक्ट्रेस अच्छी लगती है आपको आज के या पुराने एक्टर्स में से? क्योंकि कोई ना कोई आपका आइकन होता है, कोई भी, एनीबॉडी यू कैन टेल, क्योंकि कोई तो आइकन होता है ना आपका। I think my icon has always been Madhuri Dixit ma'am, because of her grace. दिख ही रहा है वो तो, आप में भी है वैसी एक ग्रेस। हाँ, तो अभी जो आप पंजाबी मूवीज़ में आए हैं और यहाँ पर आपने काम किया है, डेफिनेटली बॉलीवुड और बॉलीवुड का बहुत डिफरेंस है, हॉलीवुड का उससे भी ज़्यादा डिफरेंस है। क्योंकि पिछले कोविड के टाइम पे बहुत सारी जो है सिनेमा को हिट किया है, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो हॉलीवुड हो या फिर बॉलीवुड हो, तो अभी दोबारा से गियर अप हुआ है, आप पंजाबी मूवीज़ में काम कर रहे हो, कैसे एक्सपीरियंस है और लगता है कि सिनेमा में वाकई अब दोबारा से बूम आएगा? हाँ जी बिल्कुल आएगा, हर चीज़ का एक फेज़ होता है कि जब लैप्स आता है। सिनेमा में क्यों बूम नहीं आएगा, हम ह्यूमंस हैं, सोशल एनिमल्स हैं, हमें एंटरटेनमेंट चाहिए। सिनेमा इज़ एंटरटेनमेंट, सिनेमा इज़ एन एस्केप फ्रॉम द रियलिटी। ऑफकोर्स आएगा सिनेमा, और यू नो व्यूवर्स का एक रिलेशनशिप ही ऐसा है कि वी ऑलवेज नीड ईच अदर, सिनेमा नीड्स व्यूवर्स, व्यूवर्स नीड सिनेमा, सो ऑफकोर्स बूम आएगा। बट आपने बोला कि इट्स यू नो काइंड ऑफ एस्केप फ्रॉम रियलिटी, जो भी बॉलीवुड है या कुछ भी है, बट अदरवाइज देखा जाए तो काइंड ऑफ स्टोरीज विच आर एस्केप फ्रॉम रियलिटी। व्हेन यू सी सिंगिंग एंड डांसिंग इन अ फिल्म, यू डोंट डू इट इन योर नॉर्मल लाइफ, यू इमेजिन, यू ड्रीम ऑफ इट, राइट? सो इन दैट वे इट्स एन एस्केप, राइट? बट व्हाट एवर आई एम सेइंग इज दैट जो इसका विषय है, सब्जेक्ट है, दैट इज़ वेरी कॉमन, स्पेशली इफ़ यू टॉक अबाउट टूडेज वर्ल्ड, बेसिकली पंजाब की अगर बात करें तो। क्योंकि इस तरह के गैंगस्टर्स के गैंग्स, आपकी मूवी का टॉपिक वार्निंग 2 का, इसमें बेसिकली जो है ग्रुपिज्म, गैंगस्टर्स, गैंग्स दिखाए गए हैं, और ये बहुत ही कॉमन आजकल एक चीज़ हो गई है, एक्शन मूवीज़ हो गई। आपको लगता नहीं कि ऐसा एस्केप लोगों को शायद नहीं चाहिए था? एंटरटेनमेंट और सिनेमा फिक्शन से, आपके आसपास के एक्सपीरियंसेस से, उन चीज़ों से क्रिएट किया जाता है, राइट? समबडी लाइक्स कॉमेडी, they would choose to watch comedy. Somebody likes love stories, they would choose to watch love stories. Somebody who likes action, they would choose to watch action. So it's a platform जहाँ हमारे पास अलग अलग तरीके की चीज़ें, जिसको जो पसंद आएगा वो देखेगा। कोई भी सिनेमा इसलिए नहीं बनाता है ये बोलने के लिए, देखने के लिए कि ये है मॉल, अब ऐसा फॉलो करो, ऐसा नहीं। ये एक फिक्शनल वर्ल्ड है, एंटरटेनमेंट के लिए क्रिएट किया जाता है, एंटरटेन होना चाहिए, दैट्स इट। इतना ज़्यादा डेप्थ में जाके उसे जज नहीं करना चाहिए कि ऐसा हो रहा है, ये गलत है, ये सही है। आई थिंक दैट्स अ वेरी रॉन्ग पर्सपेक्टिव, और वो आजकल लोग बहुत करते हैं, विच इज़ नॉट राइट। क्योंकि कोई भी एक पिक्चर बनती है ना, उसमें बहुत मेहनत जाती है, बहुत लोगों की जाती है। कोई भी बुरी चीज़ नहीं बनाना चाहता कि जिससे सोसाइटी पे गलत या बुरा इम्पैक्ट पड़े, जिससे कोई कुछ गलत सीखे। बॉटम लाइन लोगों की सिर्फ एंटरटेनमेंट होती है, और उसको उसी पर्सपेक्टिव, वहीं तक देखा जाए, समझा जाए,
वही अच्छी बात। आप जितना ब्यूटीफुल हैं उतना ही ब्यूटीफुल मैसेज आपने दिया, क्योंकि इस तरह के रॉन्ग पर्सपेक्टिव लोगों के बीच में जाते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किया। और आपने बहुत अच्छे अंदाज में लोगों को एक मैसेज भी दिया कि दिस इज़ एन एंटरटेनमेंट वर्ल्ड एंड नॉट द रियलिटी। जज इट। एंड मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। आप शादी में जाते हैं, आपको बुफे में बहुत सारी अलग अलग खाने की चीज़ें मिलती हैं, आपको कोई फोर्स नहीं करता है कि आप ये भी खाओ और वो भी खाओ, और आपको जो पसंद है आप वो देखिए, एंटरटेन होइए, अप्रिशिएट कीजिए। अगर किसी ने इतना एफर्ट किया है तो उसमें खमियाँ कामियाँ निकालना अच्छी बात नहीं है। सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, कोई बुरी चीज़ नहीं बनाना चाहता है, सब अपनी तरफ से बेस्ट ही देना चाहते हैं। बहुत स्वीट हैं और आपने बहुत स्वीट रोल किए हैं, बेसिकली रोमांटिक रोल ज़्यादा आपने किए हैं। अगर खास करके जो एक्टर होते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन पे ज़रूर जाते हैं स्वीट रोल करते करते, क्योंकि बाकी भी कई हीरोइंस को देखो, बहुत स्ट्रॉन्ग रोल्स भी उन्होंने किए हैं जो कि ब्यूटी से बहुत परे थे, बहुत रियलिटी के पास थे, और डिफरेंट टाइप के रोल है। कोई साइकी का रोल किया, किसी ने किसी तरह और तरह के रोल किए हैं। उस तरह से आपको लगता है कि आपकी लाइफ में भी अब ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, आप कुछ स्ट्रॉन्ग रोल्स करना चाहेंगे? या डेफिनेटली दैट इज़ व्हाट आई एम लुकिंग एट नेक्स्ट। एज एन आर्टिस्ट आप और से और परफॉर्म करना चाहते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट तरह के चैलेंजिंग रोल्स करना चाहते हो। इसमें आपका रोल किस तरह से, आप कैसे डिफाइन करते हैं, जैस्मिन रौनक कैसे लाएगी इस मूवी में? नाम है वैसा ही, रोल है, रौनक आएगी, रौनक लेके आएगी थोड़ी देर के लिए फिल्म में बस। और आपके आगे के एम्स कौन से हैं? माय गोल इज टू कीप डूइंग मोर एंड मोर फिल्म्स, गुड फिल्म्स, वर्क विद गुड पीपल। व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव टू एक्टर्स, बडिंग एक्टर्स एंड टू द सोसाइटी? एक्टर्स, बडिंग एक्टर्स, सोसाइटी, पहली बात तो मुझे नहीं लगता मैं खुद इतनी महान या बड़ी हूँ मैं जो लोगों को ज्ञान देती फिरूँ। ऑल आई विल से इज वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ, डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, गिव इट ऑनेस्टली, बी योर बेस्ट वर्जन। और लोगों में कमियाँ निकालने से पहले लोगों की अच्छाइयाँ देखेंगे तो ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी, ईजी होगी, खुशहाल होगी। एक बार हमारे दर्शकों को कह दीजिए कि वार्निंग टू देखने आपके पास आए। 2 फेब को वार्निंग टू आ रही है, प्लीज़ प्लीज़ जाके देखो, बहुत मेहनत है, बहुत प्यार से बनाई हुई फिल्म है एंड 100% आपको एंटरटेन करेगी, बिल्कुल अलग है। थैंक यू सो मच डिनल सिके, जैस्मिन पसीन जड़े कि इन्होंने साडा गलबात की है। वार्निंग टू के आ रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल एक्ट्रेस है, बहुत सारे एम्बिशंस लेके चल रहे हैं, और जिन्हें ज़्यादा डेलीकेट हैं, जिन्हें ज़्यादा इनोसेंट है, उन्हें कहते कि मैं हूँ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द स्ट्रोंग रोल्स। इन्होंने बेस्ट ऑफ लक है, इन्हों की मूवी में बेस्ट ऑफ लक है, और जरूर देखना वो सिनेमाघर। 2 फेब में मूवी आ रही है वार्निंग टू।